हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी मैं हूँ ओपातिया में। ये है क्रोएशिया का एक दूसरा शहर जहाँ मैं अभी सुबह सुबह 7 बजे आया हूँ। और देखिए मैं यहाँ वॉक कर रहा हूँ, बहुत अच्छी जगह है। एज कंपेयर जो इनकी कैपिटल सिटी है वहाँ से यहाँ का वेदर थोड़ा ठीक ठाक है। वहाँ थोड़ा ज़्यादा ठंडा था, यहाँ बिल्कुल ठीक है। और सुबह सुबह का आपको यहाँ के नज़ारे दिखाता हूँ। ये देखिए मेरे पीछे से ये सारे होटल्स हैं, और ये देखिए समुंदर, और ये देखिए पहाड़। तो अभी हम पूरा वॉक करेंगे और आपको दिखाएंगे, जो जो चीज़ भी मैं देखता हूँ वो सब आपको दिखाता हूँ। चलो चलते हैं। सो गाइस, ये देखिए कितना अच्छा व्यू है। सुबह सुबह सूरज की किरणें पानी के ऊपर चमक रही है। और यहाँ पे देखिए रेस्टोरेंट है, ये सब अभी बंद हुआ है क्योंकि अभी एक थोड़ा दिन दिन में खुलेगा। सो गाइस, ये देखिए, लुक एट द व्यू गाइस। यहाँ जो हवा है ना, बहुत फ्रेश है, और पानी भी बिल्कुल, आप कहीं पे से पानी पी सकते हो, बिल्कुल साफ नेचुरल वाटर है, नेचुरल वाटर पी सकते हो आप यहाँ से। तो मैं आपको और दिखाता हूँ, यहाँ पे जो है ये स्विमिंग के लिए है। अगर आपको अच्छी स्विमिंग आती है और आप बाहर आगे भी जा सकते हो। और ये बच्चों के लिए स्विमिंग है, देखिए यहाँ पे गहराई कम है, तो ये है बच्चों के लिए। बिल्कुल ये ना, ये है रेस्टोरेंट। एक्चुअली अभी सुबह के टाइम पे लोग कम दिखाई देते हैं, शाम को थोड़ा ज़्यादा दिखाई देते हैं, इसलिए सुबह अच्छे से शूट करने में अच्छा रहता है। लोग कम होते हैं तो कोई टेंशन भी नहीं होती है, क्या बोल रहे क्या नहीं बोल रहे, तो कुछ भी आप दिखा सकते हो। तो ये देखिए गाइस, ये महाराज जी को भी क्या है, इनको भी देख लीजिए। पता नहीं, मेरे को तो पता नहीं है कौन है, किसकी मूर्ति है। यहाँ पे भी एक रेस्टोरेंट है, होटल भी है। देखिए मैं पूरा वॉक करूँगा, उसके बाद ब्रेकफास्ट करूँगा, फिर देखता हूँ। गाइस मैं वॉक करते करते यहाँ आ गया हूँ, और यहाँ भी बहुत सुंदर है। ये देखिए ये वाले पेड़ हमारे उत्तराखंड में पहाड़ों में होते हैं ना, चीड़ के, देवदार के, वो भी है यहाँ पे, बांज के भी पेड़ भी हैं। तो ठंडा तो है यहाँ, स्नोफॉल होती होगी ऊपर पहाड़ों में, क्योंकि इसके पास में समुंदर भी है, तो नीचे उतनी नहीं होती है। जहाँ मैं लास्ट व्लॉग दिखाया था वहाँ तो होती है। भैया जी यहाँ पे बैठे हुए हैं। सो गाइस, अभी चर्च में घंटी बज रही है, आप लोगों को सुनाई दे रही होगी। हाँ, चर्च है पास में। देखिए गाइस, यहाँ के पेड़
कुछ अलग है। और यहाँ से व्यू कुछ ऐसा आ रहा है, वो देखो चंद्रमा भी दिखाई दे रहा है यहाँ से, इतना साफ क्लियर है तो सब कुछ दिखाई दे रहा है। लोग भी बैठे हुए हैं ऐसे, तो यहाँ से आगे को मैं बाद में दिखाऊंगा आपको, क्योंकि इधर से आगे को नहीं जा रहा हूँ मैं अभी, तो दूर हो जाएगा। यहाँ पे फोटो का है, देखिए गाइस यहाँ पे आप लोग प्रेस करके खुद ही अपनी फोटो खींच सकते हैं, ऊपर कैमरा भी लगा हुआ है। और यहाँ पे इतना अच्छा है। सो गाइस मैंने वीडियो स्टार्ट की थी इधर से, कहीं इधर से अभी मैं नीचे वॉक करते करते आया यहाँ तक, अभी मैं ऊपर के रास्ते रोड से जाऊंगा तो आपको वो दिखा देता हूँ। यहाँ भी कुछ है शायद, किसी की इनका कुछ बार रेस्टोरेंट जो भी होगा, इधर को जाना अच्छा नहीं होता है, ठीक है इधर नहीं जाते। गाइस देखिए आपको चिड़ियाओं की आवाज़ आ रही होगी, चिच चिच पता नहीं आ रही है नहीं आ रही, पानी की आवाज़, फ्रेश एयर। और यहाँ आप अच्छे से वॉक कर सकते हैं, यहाँ पे एक पार्क भी है, वो ये पार्क दिखाता हूँ आपको। ये पार्क कुछ ऐसा है, देखिए गाइस क्या सुंदर सुंदर फूल। अभी थोड़ा गाड़ी आड़ी चलने लग गई, अब थोड़ा उजाला जैसा हो गया ना यहाँ ऐसा इधर को। सुबह सुबह देखो इतनी बुढ़ी बिचारी, कमर में दर्द हो रही है, ये भी चल रही है। लोग यहाँ अपने उसके लिए ना हेल्थ के लिए बहुत ध्यान देते हैं। ये देखिए यहाँ उसको देख के कितना एक्सरसाइज कर रहा है। धीरे धीरे दुकानें खुलने लग गई है, इधर लिखा है कुत्ते ले जाना अलाउड नहीं है, मेरे पास तो है ही नहीं, ले जाऊंगा कहाँ से। लोग अपनी दुकानें खोलने लग गए यहाँ पे, यहाँ से कुछ ऐसा लग रहा है। सो गाइज आप इस टाइम लैप्स को इन्जॉय कीजिए, होप आप लोगों को ये अर्ली मॉर्निंग की वीडियो क्रोएशिया की अच्छी लगी होगी। आने वाले व्लॉग्स में अच्छी अच्छी वीडियोस अलग अलग कंट्री में, यूरोप के अलग अलग कंट्रियों की वीडियोस दिखाऊंगा, और होप आप इन्जॉय करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।